एवरीवन, कैसे हो आप लोग। करंटली मैं हूँ गोवा में एंड आज हमारे साथ है न्यूली लॉन्च बलिनो। मैं यहाँ पे ना इसकी मीडिया ड्राइव के लिए आई हूँ। सुजुकी ने ना इसको न्यू एज बलिनो नाम दिया है और इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में ही काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस ही नहीं किए गए हैं, इसकी बिल्ड को भी इम्प्रूव किया गया है। तो यार ये बलिनो ना मेरे पास काफ़ी टाइम रहने वाली है। अभी मेरे पास इसका AMT है, बाद में मेरे को इसका मैनुअल भी मिलेगा। तो आज की वीडियो में ना इसका वॉक अराउंड भी आपको मिलेगा, इसके अलावा अच्छी तरह से इसको टेस्ट करेंगे हम। चलो फिर बिना देरी करे शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके वॉक अराउंड से। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करना चाहूँगी। यहाँ पर आपको जो हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं ना, प्रोजेक्टर्स हैं एंड LED प्रोजेक्टर्स हैं। एंड इसका जो थ्रो है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। पहले भी बलिनो की लाइट्स का थ्रो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, अब भी है। एंड यहाँ पे जो DRLs है ना, कुछ ऐसी सी शेप के आपको देखने को मिलते हैं, वो स्ट्रिप्स ही नहीं है। यहाँ पे नीचे अगर आप इसके फॉग लैंप्स देखोगे ना, तो ये भी आपको LED ऑफर किए गए हैं, तो अच्छी बात है। सेंटर में इस बार इसकी जो ग्रिल है ना, उसका पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। कुछ लीव सा पैटर्न है ना, काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लग रहा है। अगेन यहाँ पे आपको एक क्रोम की लाइनिंग देखने को मिल जाती है। एंड इस वाले वेरिएंट में ना आपको 360 कैमरा मिलता है, तो इसका जो फ्रंट वाला कैमरा है कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यार इसके ओवरऑल लुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो लुक्स मुझे पहले भी बुरी नहीं लगती थी, अब भी बुरी नहीं लगती है। पहले भी स्टनिंग लगती थी, अब भी स्टनिंग लग रही है। बाकी यार साइड में अगर आप देखोगे तो इसके अलॉयज चेंज किए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। एक फ्रेश से अलॉयज का डिज़ाइन है ये। एंड यहाँ पे आपको 195/55 R16 का टायर सेक्शन देखने को मिल जाता है। यार इसके जो ORVMs है ना, उसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अगर मैं इसको लॉक करूँगी तो ये देखो ये फोल्ड हो जाते हैं, वेयर एज अगर मैं इसको अनलॉक करूँगी ना तो ये अनफोल्ड नहीं होते हैं। उसको करने के लिए आपको यहाँ से पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दबाना पड़ेगा, तभी होंगे। और यार अब मैं दिखाई रही हूँ तो की भी देख लो, इस पर लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। बेसिक की है जो सुजुकी वाली, यहाँ सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इसके नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो इसका साइड वाला 360 कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। एंड इसके जो डोर हैंडल है वो क्रोम फिनिश में आते हैं। इस पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, बोर्ड ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं। बाकी यार यहाँ पे ना आपको क्रोम की गार्निश देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यार इसकी ना 5 mm तक लेंथ कम की गई है और 10 mm तक हाइट कम की गई है, लेकिन ऐसे देखने में बिल्कुल भी पता नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही माइनर सा फर्क आता है। रियर से अगर आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे टॉप पे शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है, स्पॉइलर मिल जाता है, स्टॉप लैम्प मिल जाता है, वाइपर एंड डिफॉगर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये वाला एरिया देखोगे ना तो पूरा क्रोम का है, यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। एंड यहाँ पे कुछ आप देखोगे तो इसका जो एयर वाला पार्किंग कैमरा है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बलिनो की बैजिंग मिल जाती है। एंड अगर आप इसके टेल लैम्प्स देखोगे तो उनको चेंज किया गया है, काफ़ी ज़्यादा प्यारे से हैं इसके टेल लैम्प्स, जले हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं। रियर से अगर आप देख रहे हो ना, तो चेंज लग रही है बलिनो। एंड यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बूट स्पेस के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, यार एक मिनट रुको, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो इस बार कलर चेंज किया गया है, काफ़ी स्पार्कली सा ब्लू है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आपको दिख रहा होगा कैमरे में, आई डोंट नो शायद कैमरा जस्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ, तो बूट स्पेस पे आते हैं। पहले ना इसमें आपको 339 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर किया जाता था, बट थोड़ा सा इस बार डिक्रीज़ किया गया है, इसको 318 लीटर्स कर दिया गया है। बट अगर ऐसे देखोगे ना तो प्रैक्टिकलिटी में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। स्पेयर व्हील के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको 15 इंच का स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, पार्शल ट्रे भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसका जो ड्राइवर साइड डोर है ना, ये कुछ ड्यूल टोन सी फिनिश में देखने को मिलता है, लाइक ये कुछ ब्लू सी फिनिश यहाँ पे आपको दी गई है, नीचे ब्लैक मिलता है। ये वाला एरिया आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, ये भी ब्लू कलर में ही है। 4 पावर विंडोज़ मिल जाती है, जिसमें से ड्राइवर साइड ऑटो है, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड यार अगर आप देखोगे ना, तो इसका ये वाला ग्लास थोड़ा सा टिंटेड है, नॉर्मल आप देखो कुछ ऐसा होता है। एंड ये देखो हल्का सा टिंटेड है, मतलब एक्सट्रीम टिंटेड भी नहीं है, इलीगल नहीं है, ये ब्रांड दे रहा है तो लीगल चीज़ ही देते हैं। तो यार अच्छा रहता है अगर थोड़ा सा टिंटेड हो तो, क्योंकि काफ़ी हद तक सन से भी प्रोटेक्शन हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, थोड़ी बहुत और स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है। इंटीरियर में मैं स्टार्ट करूंगी उस चीज़ से जो बिल्कुल न्यू आई है इस कार में, HUD यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले। एक बार ना मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हम स्टार्ट करेंगे ना इसको, ये देखो इस तरह से पॉप होके ऐसे स्क्रीन बाहर आती है। बेसिकली ये स्क्रीन नहीं है, इस पे ड्राइवर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट होती है। इसकी पोजीशनिंग आप यहाँ से ये देखो, ये वाली जगह से एडजस्ट कर सकते हो, नीचे या फिर ऊपर। के अलावा यहाँ पे आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए भी बटन मिल जाता है, ये देखो। यहाँ पे आपको 360 व्यू वाला बटन मिल जाता है, ये देखो एकदम डाउन दिला देता है आपको कार का, पूरा चारों ओर घुमा रहा है, देख सकते हो आप।
इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट का बटन मिल जाता है, फ्यूल इकोनॉमी में काफी ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर देखने को मिल जाता है। इसका जो स्टेयरिंग व्हील है ना, इस बार चेंज किया गया है, स्विफ्ट वाला ऐड कर दिया गया है। मैंने पहले भी कहा था मुझे बहुत ज्यादा स्पोर्टी लगता है, काफी ज्यादा सुंदर है, कुछ ग्रेसी फिनिश है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड बटन मिल जाते हैं, नीचे आप यहाँ देखोगे तो आपको वॉइस कमांड के ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, दूसरी साइड आपको हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, नीचे आपको इंजन टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्यूल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। सेंटर में ना आपको एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें आप एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, कंपस, मोशन फ्रंट, टॉक पार वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे ना आपको स्लाइडेबल आर्मरेस दिया गया है, तो आप आराम से चाहो तो ऐसे हाथ रख के ड्राइव कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस भी मिलती है, वो मारुति वालों ने कुछ रिफ्रेशमेंट्स दिए थे तो मैंने इसके अंदर रख रखी। इसकी सिटिंग अपॉल्स्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीट्स आपको यहाँ पे दी गई है, एंड कुछ ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन सा दिया गया है। इसके ऊपर ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, वही वो ब्लू कलर है, वो नेक्सा वाला टच इसमें ऐड किया गया है। यार इसकी जो सीट्स है ना, उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और आपको प्रॉपर होल्ड करके रखेगी, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और यहाँ पे आपको जो हेडरेस्ट दिया गया है वो भी एडजस्टेबल है, और ये एरिया देखो यार कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ग्लव बॉक्स अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे आपको डिसेंट स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है। अगर इसका डैशबोर्ड आप देखोगे ना, तो प्रॉपरली कलर कॉम्बिनेशन की लेयरिंग की गई है, ऊपर ब्लैक है, देन यहाँ पे आपको सिल्वर सी फिनिश देखने को मिल जाती है, ग्लॉसी में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, एंड यहाँ कुछ ब्लू सा कलर आपको देखने को मिल जाता है, नीचे अगेन ब्लैक है। इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होने के बाद भी काफी एलिगेंट लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भी अलग से है या आउट लग रहा हो। जिस किसी ने भी ये कलर स्कीम यूज की है, काफी समझदारी से की है। यार इसमें ना आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया, आई थिंक बहुत ज्यादा अमेजिंग है, कि ये सबसे बेस्ट इंफोटेनमेंट में से मुझे ये लगा। इसका जो टच रिस्पांस है वो भी मुझे काफी फ्लूइड लगा। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों ही अच्छा वर्क करते हैं। और ना सुजुकी वालों ने हमें साथ में एक फोन कनेक्ट करके दिया, रखने के लिए नहीं दिया है, ये सिर्फ यूज करने के लिए दिया है। तो हम पूरे रास्ते यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करके आए थे, तो अच्छी तरह से मैप शो हो रहे हैं, कोई भी लैग वगैरह मुझे नहीं लगा। बाकी यार इसमें आपको एक वॉइस कमांड का ऑप्शन भी मिल जाता है। हाय, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? प्ले कच्चा बादाम। Just say the service name. Tune to AM. Tuning to 702 AM. यार पता नहीं क्यों ये मेरा ना कहना मान नहीं रही है, तो मैंने इसको बैक ही कर दिया, शायद गुस्सा है मेरे से। बाकी एक बार मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी भी चेक करके दिखा देती हूँ। NCS का गाना अपने चला लेते हैं। So I hope आपने इसकी ऑडियो क्वालिटी को जज कर लिया होगा, अच्छे साउंड है यार। और इसमें ना यार आपको ऑटोमेटिक एसी ऑफर किया गया है। यार सही बात तो ये है कि इसके बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक एसी ऑफर कर दिया जाता है। इसके जो कंट्रोल्स है उसकी क्वालिटी मुझे काफी सही लगी। अच्छी बात है कि यहाँ पे बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बटन कंट्रोल्स मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको यूएसबी की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिससे वायर कनेक्ट करके हमने यहाँ पे फोन कनेक्ट किया हुआ है, जो सुजुकी वालों ने दिया था। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सनशेड ऑफर किया गया है, और सनशेड के ऊपर आपको ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, वो भी विद लाइट। तो यार मुझे ऑनेस्टली याद भी नहीं है कि मैंने ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर कब देखा था, और ऊपर से विद लाइट भी दिया गया है। दूसरी साइड भी सेम आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद लाइट। कैबिन लाइट्स भी आपको 2 मिलती है, एंड जितनी भी लाइट्स यहाँ पे है ना, वैनिटी मिरर में भी और ये जो कैबिन लाइट्स है ये भी, ये सारी आपको हेलोजन ऑफर की गई है। और ये चीज अच्छी है कि आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। यार एक चीज ना मैं मेंशन करना भूल गई, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना, वो टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों ही एडजस्टमेंट के साथ में आता है। बाकी यार ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो पहले जब मैं बलिनो को देखती थी, उसके इंटीरियर को देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि फीचर्स की थोड़ी कमी है, लेकिन इस बार यार बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, तो एकदम मस्त कैबिन लगता है। ना कलर कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, ना फीचर्स में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं बोल सकती हूँ इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। लेट्स टॉक अबाउट द रियर कैबिन ऑफ बलिनो। सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे मेरी हाइट 5'8" है, एंड ड्राइवर साइड सीट को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके आ चुकी हूँ मैं। भाई स्पेस की कमी बलिनो में पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है, मतलब पूरा फैल के बैठ जाओ तो भी स्पेस की कमी आपको फील नहीं होगी। नी रूम बहुत ज़्यादा अच्छा है,
अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है एंड रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है। हेडरूम थोड़ा सा मुझे ओके ओके लगा, अगर मेरे से लंबा थोड़ा कोई होगा तो फिर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तीन लोगों के बैठने के बारे में अगर मैं बात करूँ तो तीन लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, बट सेंटर वाले पर्सन को थोड़ा सा पैर रखने में प्रॉब्लम होएगी, बाकी बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हो। जो आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं दोनों ही दो दिए गए हैं और दोनों ही एडजस्टेबल हैं। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट भी दिया गया है एंड यार ये सही काम किया आपको, यहाँ पे नीचे ना दो कनेक्टिविटी दी गई है, टाइप सी भी मिल जाती है, यूएसबी मिल जाती है, तो भाई जोन सा फ़ोन है आराम से लगा के आप यूज़ कर सकते हो, उसको चार्ज कर सकते हो और चार्जिंग लगा के यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हो। और यहाँ पे आपको एसी ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कैबिन लाइट मिल जाती है, ये भी हेलोजन है। यहाँ पे आर्मरेस्ट, आई थिंक यहाँ पे एक आर्मरेस्ट दे देते तो मज़ा ही आ जाता। बाकी इसके ओवरऑल कैबिन के बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो काफ़ी स्पेशियस एयरी सा कैबिन है, कोई भी कमी मुझे फील नहीं हुई, बेहद कंफर्टेबल कैबिन। तो यार बस अपना मैं इसको चलाने वाली हूँ, अभी मेरे पास AMT है, मैनुअल मुझे थोड़ी देर बाद मिलेगा। मुझे लगता है इस वाली वीडियो में ना हम सिर्फ वॉक अराउंड ही रखते हैं, दूसरी वीडियो में मैनुअल और AMT दोनों का ही टोटल आपको ड्राइव एक्सपीरियंस मिल जाएगा, माइलेज टेस्ट, 0 to 100 टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट, सब कुछ आपको एक सेपरेट वीडियो में डाल दूंगी। वो वाली वीडियो या तो मुझे लगता 1-1.5 घंटे बाद आ जाएगी, बाकी मैं ट्राई करूंगी कि इन दोनों वीडियोस को एक ही साथ पोस्ट कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।